डेयरि इंडस्ट्री, डेयरि इंडस्ट्री अंडारे पार्ट वन नम्बर भिडियो चले डेयरि इंडस्ट्री अंडारे जो कोश्चनगुलि पढ़ले नैचरल सिलेबस कमप्लीट हो जाए ठीक से ही कोश्चनगुलि देखे नेब। तो फर्स्ट कोश्चन ह्वाट इज डेयरि, बोलछे ए डेयरि इज अ बिजनेस एंटारप्राइज एस्टाब्लिश फर द हार्वेस्टिंग अफ एनिमल मिल्क। बोलछे जे डेयरि होच्छे एकटा बिजनेस एंटारप्राइज जेटा एस्टाब्लिश होयेछे एनिमल मिल्क हार्वेस्टिंग एर जोन्नो, मोस्टलि फ्रम काउस और गोट्स बाट अल्सो फ्रम बाफेलो शीप हर्सेस और कैमल्स। जेटा मोस्टलि कलेक्ट करा होये थाके काउसेर थेके बा गोट्सेर थेके बाट अल्सो बाफेलो शीप हर्सेस कैमल्सेर थेके फर ह्यूमैन कन्ज्यूमशन, ह्यूमैन कन्ज्यूमशनेर जोन्नो किन्तु ए मिल्कटा हार्वेस्टिंग करा होये थाके। सेकेंड क्वेश्चन बोलछे इंडियन कैटल ब्रिड्स, इंडियन कैटल ब्रिड सम्पर्के आमरा एबार जेने नेब। इंडिया ते जे समस्त कैटल ब्रिडगुलो पावा जाय तादेर सम्पर्के आमरा एबार डिटेले जानबो। फार्स्टेई बोलछे मिल्च ब्रिड, एगुलो मेनलि फार्स्टेर दिके काउयेर ब्रिड सम्पर्के देवा रयेछे। आमरा एई क्वेश्चने मेनलि काउ एबं बाफेलोर जे ब्रिडगुलो रयेछे इंडियाते जेगुलो पावा जाय सेगुलो सम्पर्केई जानबो। तो फार्स्ट ब्रिडटार नाम होच्छे मिल्च ब्रिड, एर आंडारे जे ब्रिडटा रयेछे तार नाम होच्छे शाहीवाल। बोलछे मेनलि फाउंड इन पंजाब, यूपी, एमपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, ए जगहगुलोते मेनलि शाहीवालटाके पावा जाय। मिल्क यील्ड क्वान्टिटी बोलछे अंडर विलेज कंडिशन 1350 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, अर्थात विलेज कंडिशन लैक्टेशन पीरियडे एर थेके 1350 केजी मतन दूध पावा जाय। एंड अंडर कमार्शियल फार्मस 2100 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, एवं कमार्शियल फार्मस लैक्टेशन पीरियडे एर थेके 2100 केजी मतन दूध पावा जाय। एज एट फार्स्ट कालविंग इज 32 to 36 मान्थ, फार्स्ट कालविंग एजटा होच्छे 32 থেকে 36 मास, कालविंग इंटरवाल होच्छे 15 मास। नेक्स्ट जो स्पीसिसटा तार नाम होच्छे थार पार्कर, मेनलि फाउंड इन जोधपुर, कूच, जैसलमेर, ये समस्त जायगाय थार पार्कर प्रजातिटाके पावा जाय। मिल्क यील्ड क्वान्टिटी बोलछे अंडार विलेज कंडिशन 1660 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, बोलछे विलेज कंडिशने एदेर थेके 1660 केजी मतन दूध पावा जाय लैक्टेशन पीरियड टाइमे। एंड अंडार कमार्शियल फार्मस 2500 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, एवं कमार्शियल फार्मसेर थेके लैक्टेशन पीरियडे एदेर थेके 2500 केजी मतन दूध पावा जाय। नेक्स्ट जो स्पीसिसटा तार नाम होच्छे गिर, बोलछे मेनलि फाउंड इन गिर फरेस्ट एरियाज अफ साउथ काथियावाड़, साउथ काथियावाड़ रिजियनर गिर फरेस्ट एरियाते मेनलि ए प्रजातिटिके पावा जाय। मिल्क यील्ड क्वान्टिटी बोलछे अंडार विलेज कंडिशन 900 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, अर्थात विलेज कंडिशने लैक्टेशन पीरियडे एदेर थेके 900 केजी मतन दूध पावा जाय। एंड अंडार कमार्शियल फार्मस 1600 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, एवं कमार्शियल फार्मसे लैक्टेशन पीरियडे एदेर थेके 1600 केजी मतन दूध पावा जाय। नेक्स्ट जो स्पीसिसटा तार नाम होच्छे रेड सिंधी, बोलछे मेनलि अवेलेबल इन पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला एंड ओडिशा, मेनलि ए समस्त जगह ये रेड सिंधीटा अवेलेबल। मिल्क यील्ड क्वान्टिटी बोलछे अंडार विलेज कंडिशन 1100 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, बोलछे विलेज कंडिशन लैक्टेशन पीरियड एर थेके 1100 केजी मतन दूध पावा जाय। एंड अंडार कमार्शियल फार्मस 1900 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, एवं कमार्शियल फार्मसे लैक्टेशन पीरियडे एर थेके 1900 केजी मतन दूध पावा जाय। नेक्स्ट जो ब्रिडटा तार नाम होच्छे मिल्च एंड ड्राफ्ट ब्रिड्स, एर अंडारे जो स्पीसिसटा तार नाम होच्छे हरियाणा, बोलछे मेनलि फाउंड इन कर्नल, हिसार, गुड़गांव, डिस्ट्रिक्ट अफ हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टार्न मध्यप्रदेश, ये समस्त जगह ये हरियाणा स्पीसिसटिके पावा जाए। तारपरे बोलछे मिल्क यील्ड क्वान्टिटी 1140 to 4050 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, अर्थात लैक्टेशन पीरियडे मिल्क यील्ड क्वान्टिटीटा होच्छे 1140 থেকে 4500 केजि मतन। नेक्स्ट बोलछे बुललक्स आर पावरफुल फर रोड ट्रांसपोर्ट एंड प्लाविंग, बोलछे जे ए हरियाणा दिए जे बुललक तैरी करा होये थाके सेटा भीषण पावरफुल होये थाके रोड ट्रांसपोर्टेर जोन्नो एबं प्लाविंगेर जोन्नो। नेक्स्ट जो स्पीसिसटा तार नाम होच्छे देवनी, बोलछे मेनलि फाउंड इन नर्थ वेस्टार्न एंड वेस्टार्न पार्टस अफ आंध्रप्रदेश, अर्थात आंध्रप्रदेशे नर्थ वेस्टार्न पार्ट एबं वेस्टार्न पार्टे मेनलि देवनी प्रजातिके पावा जाय। काउस आर गुड मिल्क प्रोड्यूसार्स एंड बुललक्स आर गुड फर वार्क, बोलछे एदेर अंडारे जे काउगुलो रयेछे तारा किन्तु खूब भालो परिमाण मिल्क प्रोड्यूस करे एबं एदेर दिये जे बुललक कार्ड तैरी करा होये थाके सेटा किन्तु गुड फर वार्क। नेक्स्ट जो ब्रिडटा तार नाम होच्छे ड्राफ्ट ब्रिड्स, एर अंडारे जो स्पीसिस तार नाम होच्छे अमृत महल, बोलछे मेनलि फाउंड इन कर्नाटक, अर्थात कर्नाटकते एदेरके पावा जाए। नेक्स्ट स्पीसिसटा होच्छे कनगियाम, बोलछे मेनलि फाउंड इन कोयम्बाटूर, इरोड, करूर डिस्ट्रिक्ट सब तमिलनाडु, ये समस्त जगह ये जो कनगियाम ये प्रजातिटिके पावा जाए। एंड इट इज बेस्ट सुइटेड फर प्लाविंग एंड ट्रांसपोर्ट, एवं एटा प्लाविंग करार जोन्नो एबं ट्रांसपोर्ट करार जोन्नो बेस्ट। नेक्स्ट जो ब्रिडटा तार नाम होच्छे एक्सोटिक डेयरि ब्रिड, एर अंडारे जो स्पीसिसटा तार नाम होच्छे होलस्टाइन फ्रेसियन, बोलछे दिस ब्रिड इज फ्रम हॉलैंड एबं एटाके हॉलैंड थेके पावा जाए। मिल्क यील्ड क्वान्टिटी होच्छे 7200 to 9000 केजिस ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड, अर्थात एदेर थेके लैक्टेशन पीरियडे 7200 থেকে 9000 केजि मतन दूध पावा जाए। नेक्स्ट पॉइंट बोलछे दिस इज बाई फार द बेस्ट डेयरि ब्रिड एबं एक्सोटिक कैटल, बोलछे एटा एक्सोटिक कैटलर मध्य बेस्ट डेयरि ब्रिड
অ্যান্ড রিগার্ডিং মিল্ক ইল্ড, অর্থাৎ হচ্ছে যতটা পরিমাণে দুধ পাওয়া যায় সেই তুলনামূলকভাবে কিন্তু এক্সোটিক ব্রিডের মধ্যে এই প্রজাতিটি সব থেকে বেটার। অন অ্যান অ্যাভারেজ ইট গিভস 25 লিটার্স অফ মিল্ক পার ডে, বলছে গড়ে প্রত্যেক দিনে এই ব্রিডটি 25 লিটার মতন দুধ দেয়। তারপরে বলছে ইট পারফর্মস ওয়েল ইন কোস্টাল অ্যান্ড ডেল্টা রিজিয়ন, বলছে এটা কোস্টাল এবং ডেল্টা রিজিয়নে ওয়েল পারফর্ম করে। নেক্সট যে স্পিসিসটি তার নাম হচ্ছে জার্সি, বলছে এজ অ্যাট ফার্স্ট কালভিং হচ্ছে 32 to 36 মান্থ, ইন্টার কালভিং টাইম পিরিয়ড হচ্ছে 13 to 14 মান্থ, মিল্ক ইয়েল্ড কোয়ান্টিটি বলছে 5000 to 8000 কেজিস ডিউরিং ল্যাকটেশন পিরিয়ড, অর্থাৎ ল্যাকটেশন পিরিয়ডে এর থেকে 5000 থেকে 8000 কেজি মতন দুধ পাওয়া যায়। ডেয়ারি মিল্ক ইয়েলস ইজ ফাউন্ড টু বি 20 লিটার্স পার ডে, এর থেকে 20 লিটার মতন দুধ পাওয়া যায়। ইন ইন্ডিয়া দিস ব্রিড হ্যাজ অ্যাক্লিমেটাইজড উইথ স্পেশালি ইন দ্য হট অ্যান্ড হিউমিড এরিয়াস, বলছে ইন্ডিয়াতে মেনলি হট এবং হিউমিড এরিয়াসে কিন্তু এই জার্সি গরুটাকে বেশি ভালো পাওয়া যায়। এবার আমরা চলে আসবো বাফেলোর ব্রিড সম্পর্কে। ফার্স্টে যে স্পিসিসটা তার নাম হচ্ছে মুড়া, বলছে মেনলি ফাউন্ড ইন হরিয়ানা দিল্লি অ্যান্ড পাঞ্জাব, এই সমস্ত জায়গায় মেনলি এই প্রজাতিটিকে পাওয়া যায়। তারপরে বলছে মিল্ক ইয়েল্ড কোয়ান্টিটি 1560 কেজিস ডিউরিং ল্যাকটেশন পিরিয়ড, অর্থাৎ ল্যাকটেশন পিরিয়ডের থেকে 1560 কেজি মতন দুধ পাওয়া যায়। নেক্সট স্পিসিসটি বলছে অন অ্যান অ্যাভারেজ দ্য ডেইলি মিল্ক ইয়েল্ড ইজ ফাউন্ড টু বি 8 to 10 লিটার্স, বলছে অ্যাভারেজলি পার ডে এদের থেকে 8 থেকে 10 লিটার মতন দুধ পাওয়া যায়। তারপরে বলছে ইট পারফর্মস ওয়েল ইন কোস্টাল অ্যান্ড স্লাইটলি কোল্ড ক্লাইমেটিক এরিয়াস, বলছে এটা মেনলি কোস্টাল এবং স্লাইটলি কোল্ড ক্লাইমেটিক এরিয়াসে ভালো পারফর্ম করে। নেক্সট যে স্পিসিসটা তার নাম হচ্ছে নাগপুরি, বলছে মেনলি ফাউন্ড ইন নাগপুর আমরাবতী অ্যান্ড মহারাষ্ট্র, এই সমস্ত জায়গাতেই মেনলি এই প্রজাতিটিকে পাওয়া যায়। তারপরে বলছে মিল্ক ইয়েল্ড কোয়ান্টিটি 1030 to 1050 কেজিস ডিউরিং ল্যাকটেশন পিরিয়ড, অর্থাৎ এদের থেকে ল্যাকটেশন পিরিয়ডে 1030 থেকে 1050 কেজি মতন দুধ পাওয়া যায়। তোমরা এখানে কিছু ডিফারেন্ট ব্রিডস অফ কাউয়ের ছবি দেখতে পাচ্ছ, আশা করি তোমরা কোশ্চেনটি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছ। তোমাদের যদি ভিডিওগুলি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না এবং ভিডিওটি লাইক করতে এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলো না। থ্যাংক ইউ।